जय श्री राम सभी लोग का स्वागत है। पूरा वीडियो देखिएगा। संगीत का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो इसमें आपको नहीं मिलेगा। ओके, बिगिनर्स के लिए भी और एडवांस लेवल के लोगों के लिए भी। थोड़ा सा डेमो कहरवा ताल चल रहा है, बाकी चीज़ों पे चर्चा करूँगा लिखित नोटेशन के साथ। ऑल इन वन लेसन हो सकता है ये आप लोग के लिए। पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या बताने वाला हूँ। ओके, पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिए। ताल का हर बात चल रहा है। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। कॉर्ड भी चल रहा है, सभी कुछ लिखित नोटेशन के साथ बताने वाला हूँ। सा ग प म ग म ग रे ग सा नि सा। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। प ध सा नि ध नि प ध प प ध प। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। सागमा, ये जो रिदम चल रहा है इस रिदम में इस भजन के साथ पूरा लिखित नोटेशन में देने वाला हूँ। कॉर्ड का प्रैक्टिस हो सकता है आपका, आपका फिंगरिंग का प्रैक्टिस हो सकता है, वॉइस का प्रैक्टिस हो सकता है। और ये जो ट्यून है ये जगजीत सिंह साहब ने जो गाया है भय प्रकट कृपाला, वो ट्यून है जबरदस्त का, असावरी थाट के ऊपर अवस्थित है। पूरा कॉर्ड का पकड़ बनेगा आपका, एक एक ही नोटेशन के साथ आपको मिलने वाला है। लेकिन जब आप तैयार करें मुख्य रूप से इसका कॉर्ड का जो पार्ट है उस कॉर्ड के पार्ट को जहाँ जय जय राम का उच्चारण किया गया है एक बार मध्य सप्तक में, एक बार उसी चीज़ को तार सप्तक के तरफ, तो वो चीज़ मुख्य पार्ट है। बाकी पूरा का पूरा भजन जो है, पूरा का पूरा ये स्तुति जो है, ये अपने आप में एक जबरदस्त कार्याज हो सकता है। रिदम अभी चल रहा है, मैं नोट बता रहा हूँ, नोट बताने के बाद आराम से मैं नोट बताऊँगा। आप इसी अंदाज में कहरवा ताल के अंदर अपने रियाज में इसको शामिल कर सकते हैं। जैसे जय जय राम का जो स्तुति है, जो उच्चारण किया गया है, जो उद्घोष किया गया है, उसका नोट ये है। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, आपको लिखित ऊपर में मिल रहा है, क्योंकि रिदम के साथ गाने से ही आपका म्यूजिक प्रैक्टिस भी होगा और चीज़ को भी अच्छा से जानिएगा। तो छोटा छोटा नोट है सामने देख रहे हैं। पहला पार्ट ये है कैसे करना है। पहले सरगम में गाना है, ताल में, वन टू वन टू, ऐसे ये कॉर्ड पोजीशन है सा ग प का। ओके, पहला सा ग प। जय जय राम सा ग प, जब ये लिए तो सा ग और प। ओके, उसके बाद सेकंड में है म ग म, शुद्ध ग लग रहा है और ये कॉर्ड लेंगे म ध सा ग। ओके, म ग म ये कॉर्ड है। तीसरा है ग रे ग, फिर से यही कॉर्ड लेंगे। और लास्ट है सा नि सा, यही कॉर्ड लेंगे। ये पहला पार्ट है जय जय राम गाने का, पहला पार्ट है। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आएगा, फिर स्तुति शुरू होता है और ये पार्ट बीच बीच में आते रहता है म्यूजिक के जगह पे। तो पहला पार्ट का रिदम में कैसे प्रैक्टिस करेंगे, पहले सरगम में सा ग प म ग म ग रे ग सा नि सा। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।
को लेके ऊपर के तरफ जाएंगे। उसके बाद स्तुति का 5 नोट है, इस नोट के बाद स्तुति का नोट मैं बताऊंगा। अभी जय जय राम को ऊपर के तरफ ले जाना है, उसका नोट क्या है पहले ये देख लीजिए, फिर रिदम अभी चालू है तो रिदम में उसको सेट करना है। उसका नोट है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहला है प ध सा, ऊपर का सा है प ध सा। जब ये लीजिएगा तो ये कॉर्ड यहाँ म ध सा का कॉर्ड लीजिए, ओके। उसके बाद सेकेंड है नी ध नी, शुद्ध ध लगाना है, नी ध नी, ये कॉर्ड लीजिएगा प नी रे का ऐसे, ओके। तीसरा है ध प ध, फिर यही कॉर्ड म ध सा का। और उसके बाद प ग प, ये कॉर्ड, ओके। अब इसमें पहले सरगम गाएंगे रिदम के अंदर, जो मैंने कहा ऑल इन वन रियाज होगा तो इस हिसाब से करना है। प ध सा नी ध नी ग प ध प ध प, जय जय राम जय जय राम जय जय राम प्रगट कृपाला। तो ये जो रिदम चल रहा है, इस रिदम के अंदर कॉर्डिंग का प्रैक्टिस, जो जय जय राम का उद्घोष है उसके साथ करना है। बाकी जितना है भय प्रगट कृपाला इसी रिदम में चलेगा, जैसा मैंने डेमो में गाया था। कितने सारे नोट के अंदर हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। नोट के साथ पूरा भय प्रगट कृपाला आपको गाना है, अल्टरनेट ऐसे ही चलते रहेगा। यही जो 5 स्वर आपको मैं बताने वाला हूँ, 5 इसका स्वरलिपि आएगा, उसी 5 स्वरलिपि में पूरा भय प्रगट कृपाला आएगा। और बीच बीच में ये जय जय राम का जो आपने नोट देखा है, सा ग प म ग म ग रे ग सा नी सा, पहला। सेकंड में आपने देखा प ध सा नी ध नी ध प ध प ग प, ये चलते रहे, ओके। मैं जय जय राम एक बार और सुना दूंगा, पहले भय प्रगट कृपाला को बढ़िया से देख ली। उच्चारण भी मायने रखता है कि नोट तो मैं बता ही दूंगा, उच्चारण के साथ गाना है तो आप ओरिजिनल सुन लीजिएगा। मैं नोट बता देता हूँ एक बार, एक पैटर्न पूरा मैं समझा देता हूँ। उसके बाद जगजीत सिंह साहब का ये गाया हुआ है, हर एक सिंगर ने अपने अपने स्टाइल में गाया है इसको। हम लोग भी जब जरूरत पड़ता है तो इसी ट्यून को गाते हैं, क्योंकि ज़बरदस्त का है और बहुत ही मेलोडियस है। आइए पूरा ट्यून एक बार, पूरा पैटर्न मैं समझाता हूँ कि भय प्रगट कृपाला पूरा स्तुति कितने सारे लाइन में आप गा सकते हैं। तो मैंने वैसे 5 लाइन लिखा है, आपको वो लाइन बाय लाइन में समझाता हूँ। आइए देख लेते हैं ट्यून, सबसे पहले वो 5 ट्यून देखते हैं जिस ट्यून में पूरा स्तुति गाना है, ओके। पहला ट्यून है, पहला लाइन है सा ग प म ग म प प ध नि सा ध प। जो लोग बिल्कुल विगनर्स हैं तो आसावरी में ग कोमल होता है, ध नी कोमल होता है, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। सा रे ग म प ध नि सा सा नी ध प म ग, ये है, ओके। और कभी कभी एक्स्ट्रा नोट लगते हैं तो जब भी लगेगा मैं बता दूंगा। फिलहाल ट्यून, पहला लाइन क्या था, सा ग प म ग म प प ध नि सा ध प, पहला लाइन। दूसरा ट्यून है, दूसरा लाइन है प म ग रे सा रे, इतना ही है प म ग रे सा रे। उसके अभी अस्थाई वाला ट्यून में चल रहे हैं। तीसरा लाइन है अस्थाई में रे म म म ग प म ग, ये म ग प म डबल में लीजिएगा, वो खूबसूरती आएगा। अभी मैं बताता हूँ स्तुति गा के, पता चल जाएगा रे म रे म, ओके, ये आराम से। उसके बाद म ग प म ग रे म ग प म ग रे सा नि ध नि सा, ओके। इसमें ये जो ट्यून बजाए रे म म ग प म ग, इतना में एक चेंजिंग भी आएगा उसमें, अभी गाएंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे ये चेंज होके हाफ उतना ही रहता है, लास्ट का स्टार्टिंग का चेंज होता है, वो ये है सा प म ग रे सा नि ध नि सा रे
सानी धनी सा, पहले वाला सानी धनी सा इसमें आएगा, ये ट्यून भी जरूरत पड़ेगा। अभी दो लाइन और बाकी है, उसको ट्यून देख लीजिए, फिर तमाम ट्यून में पूरा स्तुति मैं अभी गुनगुना के बताता हूँ ताकि उच्चारण आप लोग का सही रहे। ओके, स्टेंजा में जब चलेंगे उससे पहले जय जय राम का उच्चारण होगा, वो भी क्लियर होगा अभी। और स्टेंजा का ट्यून है पसा पनी कसा, ऐसा कीजिएगा पसा पनी कसा ध प प म, ये है पनी कसा ध प प म लिखा हुआ है। और लास्ट ट्यून है म प प ध नी सा ध प। ओके, इतना ही ट्यून में, ये पांच ट्यून जो है इतना ही ट्यून के अंदर पूरा स्तुति मैं अभी पूरा स्तुति मैं गाता हूँ, इसलिए क्योंकि उच्चारण का प्रॉब्लम ना हो, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ट्यून नंबर फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी, पहला ट्यून में। उसके बाद सेकंड में चलेंगे हर्षित महतारी, ये था। फिर से भय प्रगट कृपाला सा साग पा मग मापा दीन दयाला पधनी सधपा। उसके बाद क्या था कौशल्या हितकारी, ये सेकेंड लाइन का है पामागरी सारी। ओके, उसके बाद है हर्षित महतारी, इस यही बताया था कि ये खूबसूरती है, क्या है रे मा, मा में रुकना है हर्षित महता, ता तक रुकना है, उसके बाद वो इफेक्ट है हर्षित महतारी मुनि मनहारी। उसके बाद अद्भुत रूप विचारी, इसका भी नोट बताया था अद्भुत रे सानी धनी सा, रे सानी धनी सा अद्भुत अद्भुत रूप विचारी। ओके, फिर जय जय राम का ट्यून से ट्यून आएगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कैसे होगा। एस्टेंजा का जो ट्यून था वो था, और जय जय राम करने के बाद, वो उद्घोष करने के बाद जय जय राम, ऐसे जय जय राम जय जय राम जय जय राम, ऊपर का नोट जब लगाते हैं तो एक इफेक्ट और है, वो कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ, एडवांस लेवल की चीजें हैं वो देख लीजिए। ऊपर के नोट में जब जाते हैं जय जय राम कॉर्ड, उसके बाद था जय जय राम, ठीक है जय जय राम जय जय राम, यहाँ से धग सा ध प, ये एक्स्ट्रा नोट है जय जय राम जय जय राम। ओके, अब जो नोट आपने देखा स्थाई का, उसी नोट में अगला लाइन भी है, और फिर स्टेंजा का जो नोट आपने देखा है उसमें पूरा स्तुति मैं गुनगुनाता हूँ, आप देखते जाइए। नोट आपको बता चुका हूँ, बीच बीच में भी नोट जरूरत पड़ेगा, मैं बताऊँ, पूरा देखना है ताकि कहीं कन्फ्यूजन ना हो, बहुत मेलोडियस है। अस्थाई के नोट में ही अगला लाइन भी है लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वन माला, वही नोट है जब रिदम में गाएंगे तो ये सब बहुत खूबसूरत जगह माला ला, ये सब है भूषण वन माला नैन विशाला शोभा सिंधु
शोभासिन, भाव में रुकना है, उच्चारण दोष नहीं होना चाहिए। शोभासिन भुखरारी, कॉर्ड का प्रयोग अक्सर होगा। यहाँ के बाद जय जय राम का ट्यून है, यहाँ तक अस्थाई का पार्ट आप मान सकते हैं। उसके बाद एस्टेंजा व एस्टेंजा, दो दो स्तुति, दो दो श्लोक एक साथ करके एस्टेंजा बनाया जा सकता है। आपको मैं बताते जाता हूँ, आप गाते जाइए। ओके, यहाँ से जय जय राम का ट्यून कॉर्डिंग के साथ करना है, वो एक म्यूजिक प्रैक्टिस जो मैंने कहा कि जबरदस्त म्यूजिक प्रैक्टिस होगा। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। यहाँ एक नोट है राम, यहाँ से यहाँ एक चेंजिंग हल्का सा आता है तो और मेलोडियस बनता है। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। इसको लेके भी आ सकते हैं। ओके, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। अब एस्टेंजा के ट्यून में चलते हैं, जो एस्टेंजा का ट्यून मैंने बताया था, क्या बताया था, पसा, पसा के बाद प में आना है, पसा प पनि ग स ध प प म म प प ध नि स ध प। ये होने के बाद एस्टेंजा और अस्थाई में मैंने बता ही दिया, एस्टेंजा में प्रॉब्लम नहीं होगा। कहाँ से गाना है, कह दुई कर जोरी गमरी अस्तुति तो अस्तुति, तो गला की बात है, अस्तुति या डायरेक्ट भी अस्तुति तोरी के ही विधि करूं अनंता। ओके, और एक चेंजिंग बताया था तीसरा लाइन में, थोड़ा सा देख लीजिए, ये आएगा माया गुण ज्ञानात तीत अमाना वेद पुराण भनंता। ये वही है, वेद पुरा रे रे सा निधनी सा। तीसरा लाइन का नोट क्या था, रे मामा मग प मग, यही चेंज होता है यहाँ पे। माया गुण ज्ञान, माया गुण ज्ञान, यहाँ से सॉरी फिर से, माया गुण ज्ञान तीत अमाना, ऐसे सा पाग। अब फिर पहले वाला नोट में आना, ये चेंजिंग, ये माया गुण ज्ञान तीत अमाना, फिर पहले वेद पुराण भनंता। अभी एस्टेंजा खत्म नहीं हुआ है, अगला जो श्लोक है उसको भी इसी में रख सकते हैं, अस्थाई वाला नोट में जाएगा। ओके, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। यहाँ के बाद जय जय राम, जय जय, वो ट्यून चलेगा। ओके, पूरा गाता हूँ, कॉपीराइट लगने का पूरा चांसेज है, क्योंकि ट्यून भी रिकॉर्डेड है और ये भी रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड पहले से रिकॉर्डेड चीज़ को पूरा गाना कॉपीराइट, दैट मीन्स बेनिफिट नहीं। लेकिन आप लोग ज्वाइन बटन क्लिक करके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अक्सर, सभी लोग को थैंक्स है। जो लोग नहीं किए जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब बटन के पास, व्हाट्सएप पे भी लोग डोनेशन भेजते रहते हैं, लाइन ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं, तो वो जानकारी आप लोग को है, नंबर भी सामने आप देख रहे हैं। आगे स्तुति भी देखिए, नंबर की ज़रूरत हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कीजिएगा जानकारी लिए। अगला एस्टेंजा में चलना है, एस्टेंजा के ट्यून में शब्द दोष ना हो, उच्चारण सही रहे, इसलिए पूरा गा रहा हूँ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, उसके बाद वही मीड वाला, मम उर सोबा से यह उपहासे
सुनत धीर मति धीर न रहे। फिर अस्थाई वाला नोट में अगला श्लोक, अभी गैपिंग नहीं आया है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरति बहुत विधि किन्ह चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। जय जय राम, जय जय राम। फिर ये चले, अब लास्ट स्टेंजा में हम लोग चल रहे हैं। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनुपा। ओके, लास्ट में एक श्लोक अस्थाई वाला नोट में जाएगा। सुनी वचन सो जाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरती जोगा वही। फिर से देख लीजिए इसको, लास्ट बेस्ट अस्थाई वाला नोट में है, कैसे है। सुनी वचन सो जाना, रोदन रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। ये अस्थाई का नोट। यह चरित जे गावही, हरि पद पावही, तेन परही भव को पा। जय जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम। ये चलेगा। लास्ट का एक दोहा है जो जगजीत सिंह साहब ने नहीं गाया है, इसी नोट में आप इसको गा के एंड कर सकते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित पधप, ओके, किन्ह मनुज अवतार, किन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपा। ऐसा करके ये अपना ट्यून मैंने बना दिया, तो इसको कर सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम।